हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर किस प्रकार सॉल्व करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं 2x² - 5x + 3 = 0। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण जो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का है। इसको हम क्या करने वाले हैं? पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करने वाले हैं। जैसे सिद्धराचार फार्मूले को एक बार हम सॉल्व किए थे, पूरा का पूरा फार्मूला ही डिराइव किए थे, वो एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड का ही प्रोसेस था, यानी उसको पूर्ण वर्ग बना करके ही सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल वैसे ये भी है, जिसको हम क्या करने वाले हैं? पूर्ण वर्ग बना करके ही क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जैसे कि यही है, क्या करना है? सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट रहेगा, जो गुणांक रहेगा एक्स स्क्वायर का, उस गुणांक से क्या करना है? भाग करना है। तो क्या करेंगे? 2 से भाग करने पर लिखेंगे, भाग करने पर। तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 5/2 हो जाएगा, x हो जाएगा +3/2 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। बोथ साइड यानी LHS में भी और RHS में भी क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद से क्या करना होता है? इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। x² - इस वाले टर्म का हम क्या करेंगे? हाफ करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक्स का जो कोफिशियंट है उसका क्या करना है? हाफ करना है। अगर हाफ करते हैं, आधा करते हैं, तो उसी टर्म से यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, हमेशा काम करना ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। हमने क्या किया? यहाँ 2 लिख दिया और ये 5/4 लिख दिया और ये x हो गया +3/2 = 0। केवल इसी टर्म में छेड़खानी करना है, किसमें? जो वेरिएबल वाला टर्म होगा उसमें। अब ये हो जाएगा क्या चीज? 2 × 5/4 × x। ये अब क्या है? x का जो कोफिशियंट, एक बात और बता दिया जाए, x का जो यहाँ कोफिशियंट है, उस कोफिशियंट के आधे का वर्ग करना है हमको। वर्ग करना मतलब स्क्वायर कर देना। इसका आधा कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। उसका वर्ग कितना हो जाएगा? 5/4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? बोथ साइड 5/4 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। अब क्या करते हैं? 5/4 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में यानी दोनों साइड में क्या करते हैं? ऐड करने पर, जोड़ने पर। चलिए जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है? x² - 2 × 5/4 × x + 3/2 + 5/4 = 5/4। ये हो जाता है। अब हम करेंगे क्या? ये पूरा टर्म और इस टर्म को देखेंगे ध्यान से। a² ऐसा लग रहा है जैसे a² + b² - 2 यहाँ पे b × a करके लिखा हुआ है। तो ये पूरे वाले टर्म को क्या लिखा जा सकता है? a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में, यानी x - 5/4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। और ये 3/2 को RHS में ट्रांसफ़र कर दें और ये 25/16 हो जाएगा। अब माइनस ये टर्म आ जाएगा RHS में, तो -3/2 हो जाएगा। अभी देखिए 16 और 2 का LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाता है। 16 से 16 में डिवाइड करना 1 मिलेगा, 1 का 25 में, तो ये 25 मल्टीप्लाई करने के बाद से मिलता है। 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8, 8 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर ये टोटल माइनस कर देने के 1/16 निकल गया आता है। और ये LHS में अपने पास क्या है? x - 5/4 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को RHS में ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये स्क्वायर को RHS में ट्रांसफ़र करना है हमको, तो x - 5/4 = लिखेंगे +√1/16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 5/4 = राइट करेंगे क्या चीज़? +-1/4। अभी इस माइनस को भी RHS में ट्रांसफ़र करना है। x = लिखेंगे, ये वाला टर्म जाएगा RHS में, तो 5/4 + -1/4। अब एक बार प्लस का साइन लेना और एक बार माइनस का साइन लेना है। तो x = लिखे 5/4 + 1/4 = देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 5 और 1 ऐड होकर के कितना? 6/4। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाता है। और एक बार क्या करेंगे? x = 5/4 - 1/4 ले लेंगे, क्योंकि इसमें दोनों साइन छिपा हुआ है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 - 1 कितना? 4/4। तो 4/4 = कितना हो जाएगा? 1। अब आपका एक आंसर ये हो जाता है और दूसरा आंसर ये हो जाता है। इस तरीके से हम इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार इसको सॉल्व किया जाएगा। 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है, द्विघात समीकरण, और इसको भी क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करना है। देखेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट फिर से यहाँ क्या है, 9 है, तो 9 से क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे, लिख दिया जाए 9 से भाग करने पर या डिवाइड करने पर, तो इसको डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 15 अपान 9 एक्स प्लस 6 अपान 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में डिवाइड करने का मीन्स क्या हुआ, 0 ही हो जाएगा। अभी क्या करना है, इसका हाफ करना हमको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 अपान 18 लिख दिया जाए, 9 टू जो 18 होता है, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किए तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर एक्स प्लस 6 अपान 9 इज इक्वल टू 0। ये देख रहे हैं कुछ सिंप्लीफाई भी हो रहा है तो कर दिया जाए, जैसे क्या ये 3 से कैंसिल हो रहा है, दोनों के दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये देखेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, छोटा हो जाता है तो सिंप्लीफाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा कितना, 5 अपान 6 इंटू एक्स प्लस 2 अपान 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद से ये टर्म हमारा क्या है, इसी के स्क्वायर को क्या किए हम, एक्स का जो हाफ था, हाफ मीन्स कितना, 15 अपान 18 यानी 5 अपान 6, इसी के स्क्वायर को बोथ साइड क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 अपान 6 इंटू एक्स प्लस, इस बार क्या करेंगे, 5 अपान 6 का होल स्क्वायर इसी के साथ लिख दे रहे हैं, और इज इक्वल टू इसको RHS में ट्रांसफ़र करके लिखेंगे, 5 अपान 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपान 3, ये हमने लिख दिया। इस टर्म को क्या किया, RHS में ट्रांसफ़र किया, बोथ साइड 5.6 का होल स्क्वायर क्या कर दिया है, ऐड कर दिया, ताकि ये पूरा पूरा a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाए। तो चलिए बना लेते हैं, क्या बन जाता है, ये x माइनस 5 अपान 6 का होल स्क्वायर, ठीक, और RHS में क्या बन जाता है, ये 25 बाय 36 हो जाएगा, तो 25 अपान 36 हो गया, और ये 2 अपान 3 हो गया, ठीक। तो 3 और 36 में LCM कितना, 36 का हो गया LCM, और ये 25 हो जाएगा, माइनस 3 से 36 कैंसिल करेंगे तो कितना 12 मिलेगा, 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाता है। चलिए यहाँ तक भी पहुँच जाता है, 25 माइनस 24 कितना, 1 बाई 36 हो जाएगा, और ये LHS में कौन है, EX माइनस 5.6 होल स्क्वायर है। अब स्क्वायर को RHS में ट्रांसफ़र कर दीजिए, EX माइनस 5.6 इज इक्वल टू लिखेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाई 36 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो क्या निकल के आ जाता है, EX इज इक्वल टू 5.6 प्लस माइनस 1 बाई 6 आ जाता है। एक बार प्लस का साइन लेकर के राइट कर दीजिए, 5.6 प्लस 1 बाई 6 इज इक्वल टू 6 बाई 6 इज इक्वल टू 1, और एक x इज इक्वल टू 5 बाई 6 माइनस 1 बाई 6 इज इक्वल टू 4 बाई 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अपान 3 हो जाएगा, और आपका एक आंसर ये हो जाता है और एक आंसर ये हो जाता है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करेंगे। एक बात और बता दी जाए, जब आप इस डिवाइड कर लेते हैं तो x का जो कोफिशियंट होगा उसी कोफिशियंट का, यानी 1 बाई 2 इंटू कोफिशियंट ऑफ x का होल स्क्वायर आपको क्या करना है, ऐड करना, ये समझ लीजिए एक फॉर्मूला है। x का जो भी कोफिशियंट रहेगा, यानी डिवाइड करने के जस्ट बाद x का जो भी कोफिशियंट रहेगा उसका हाफ करेंगे, आधा करेंगे, आधा कर लेने के बाद से उसी का वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद हमको पता चल जाता है कि कौन सा टर्म हम दोनों पक्षों में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। देख लीजिए 5 यहाँ पे बना तो था 15 बाई 18, लेकिन हमने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई करके 5.6 बना लिया, अगर कहीं करने लायक होता तो इसको कर लिया जाता है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार इसको सॉल्व किया, ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि ये क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी एक प्रकार का क्या है, द्विघात समीकरण है, और इसको पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करना है। देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से क्या करेंगे, सब में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3b अपान 1a ऐसे बचा रह जाएगा इंटू एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसका क्या करते हैं, हाफ करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू
थ्री बी अपॉन टू ए इंटू एक्स प्लस टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज, जीरो। अभी हमको ये जानना कि बोथ साइड क्या ऐड किया जाए, किस चीज़ का स्क्वायर ऐड किया जाए। हमको तो मिल चुका है ये सीधे सीधे यहाँ पे हाफ करके लिख तो हमने दिया, लेकिन हम फार्मूला बताए हैं कि जो जो एक्स का कोफिशियंट होता है, एक्स का कोफिशियंट को हमने डिवाइड कर लेने के बाद से थ्री बी बाई ए है, माइनस प्लस से मतलब नहीं, हमको केवल और केवल कोफिशियंट से मतलब होता है, थ्री बी बाई ए है, इसके हाफ, हाफ मतलब थ्री बी बाई टू ए, ठीक उसी के स्क्वायर को बोथ साइड क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री बी अपॉन टू ए इंटू एक्स प्लस थ्री बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर रहे हैं, और इस वाले टर्म को आरएचएस भी ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। ऐड करने का मीन्स यहाँ भी लिख दिया जाए थ्री बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और ये आरएचएस में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा टू बी स्क्वायर अपॉन क्या चीज़, ए स्क्वायर, ठीक इतना तो हो जाता है। अब इतने को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, एक्स माइनस थ्री बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर दिया जाए, ये नाइन बी स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन फोर ए स्क्वायर और माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर वाले टर्म को एक बार फिर से लिख करके ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लिख लिया जाए एक्स माइनस थ्री बी बाई टू ए थ्री बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ फोर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर के एलसीएम क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख लेते हैं फोर ए स्क्वायर, ठीक फोर ए स्क्वायर के साथ अगर इससे इसको हम डिवाइड कर दें तो वन मिलेगा, वन कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइन बी स्क्वायर मिल जाता है, नाइन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से अगर फोर स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो मिलेगा कितना, फोर, और फोर का टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एट बी स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसको सिंप्लीफाई और कर लिया जाए, एट से नाइन से एट जाएगा माइनस होकर के कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर जाता है, और एल एच एस में कौन है, एक्स माइनस थ्री बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर है, ठीक। अभी स्क्वायर वाले टर्म को हम क्या करते हैं, आर एच एस में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, टोटली स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स माइनस थ्री बी अपॉन टू ए इज इक्वल टू लिखे तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, सब के सब स्क्वायर के फॉर्म में इनको हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो प्लस माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, चलिए टू ए लिख दिया हमने, और ये एक्स माइनस थ्री बी अपॉन टू ए हो जाता है, ठीक। अभी इस सिंबल इस वाले टर्म को क्या करेंगे, आर एच एस में ट्रांसफर करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे तो थ्री बी अपॉन टू ए प्लस माइनस बी अपॉन टू ए हो जाता है, एक बार प्लस का साइन लेना और एक बार माइनस का साइन लेना है, तो एक्स इज इक्वल टू लिख दें थ्री बी प्लस बी बाई टू ए, डायरेक्ट हमने कर दिया टू ए दोनों साइड है इसलिए, तो ये कितना हो जाएगा फोर बी, तो लिख देते हैं फोर बी अपॉन टू ए, देखिए टू से फोर कैंसिल हो जाता है इधर, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू बी अपॉन ए, एक आंसर ये हो जाता है टू बी अपॉन ए। दूसरा आंसर निकाला जाए अगर तो एक्स इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा थ्री बी माइनस बी, थ्री बी माइनस बी अपॉन टू ए, तो हो जाएगा कितना टू बी अपॉन टू ए, टू से टू कैंसिल यानी बी अपॉन ए, आपका एक आंसर ये हो जाता है, दूसरा आंसर ये हो जाता है। इस तरीके से हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आगे अन्य टॉपिक के लिए वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल हम इसी तरीके से आप लोगों के साथ बने रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी, बिल्कुल धन्यवाद।